बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सदस कुज़ीन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके लिए चिड़ा मछली की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम ग्रिल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1.5 किलो हमने चिड़ा मछली ली है, इसको हमने अच्छी तरह साफ करवा के रखा है और इसमें हमने 5 अदद लीमू का जूस, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून अजवाइन डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स किया। फिर हमने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब इसके अंदर हम मसाले लगाएंगे। 1.5 किलोग्राम हमने मछली ली है और इसके अंदर जो अज्जा जाएंगे, 5 अदद हमने बड़े साइज़ के लीमू लिए, उनका जूस निकाल लिया है। 5 अदद हरी मिर्ची, इनको पीस कर रखा है। 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, सूखा धनिया 1.5 टेबलस्पून है, अजवाइन 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून भर के, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब ये तीनों मसाले हैं, इनको हम ड्राई रोस्ट करके पीस लेंगे। सूखा धनिया, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा को हमने भून कर पीस लिया है और इनको हमने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया, ये मोटा मोटा दलदला सा पीसा है। अब इस बाउल में हम तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। अब इनको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम तमाम मसालों को मछली के अंदर डालेंगे। अब हाथों की मदद से इसको मसल मसल के तमाम मछली के ऊपर लगा देंगे। मछली का मसाला हमने अच्छी तरह लगा दिया है, इसके कट्स के अंदर भी हमने लगाया है और हाथों की मदद से मसल मसल के सारी मछली को हमने मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम इस बॉक्स में डालकर कवर करके फ्रिज में रखते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। चार से पाँच घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। अब इसको हम ग्रिल करने की तैयारी करते हैं और हम छत पर आ गए हैं इसको बारबेक्यू करने के लिए। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पे भी और कढ़ाई में भी, लेकिन हम इसको ग्रिल करके बताएंगे आपको। मछली को हम ग्रिल करने के लिए रखती है ऊपर, साइड इसकी हमने चेंज कर दी है। इसके ऊपर हम ऑयल शावर करेंगे। मछली हमारी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है और लुक वाइज भी बहुत अच्छी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।